हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चित्रा फूड ब्लॉग। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश करी। यहाँ मैंने 1 किलो रो फिश ली है, जिसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पानी और नींबू के रस में भिगो कर रखूँगी। 10 से 15 मिनट बाद इसका पानी अलग कर देंगे। एक प्याज लहसुन और अदरक का हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें आधा पेस्ट हम फिश को मैरिनेट करने के लिए यूज़ करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डालकर फिश को मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए प्याज टमाटर काट लेंगे और फिश को पहले तेल में फ्राई कर लेंगे। एक एक करके सारे फिश के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। बचे हुए तेल में प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब लहसुन प्याज का पेस्ट डाल देंगे। चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को अच्छे से भून लेंगे, जिससे हमारा मसाला जलने ना पाए। कटे हुए टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर के साथ मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब ग्रेवी के हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। गरम मसाला, हरा धनिया और ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। अब यहाँ फिश के पीसेस इसमें डाल देंगे। यह
यहाँ फिश पककर तैयार हो चुकी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।